खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में। और अभी है दोपहर का टाइम, हम लोग तैयार हो गए हैं, हम लोग जा रहे हैं लंच के लिए। और आज रिसेप्शन का दिन है और जिस गार्डन में रिसेप्शन है वहीं पे हमारा लंच भी है। और सभी लोग तो अभी आए नहीं हैं, वो थोड़ा लेट हैं, हम लोग पहले पहुँच जाएंगे क्योंकि हमें लग गई है भूख। तो हम जाते ही पहले लंच करेंगे और उसके बाद वापस आएंगे। और सुनीता, सुनीता के पतिदेव और उस याना बेबी आएंगे, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि हमें लंच करने की इच्छा नहीं है, तो वो लोग घर पे रहेंगे और हम लोग लंच करके आके फिर रेस्ट करेंगे और शाम को रिसेप्शन के लिए जाएंगे। और शाम को 4-5 बजे तक मीना भी आ जाएगी और उसके पतिदेव आ जाएंगे, तो मैं सबसे मिलवाऊंगी। और शाम को रेखा और रेखा के हस्बैंड और हमारी रुद्र नंदिनी वो भी आएगी, तो सबसे मिलवाऊंगी। बाकी जो लोग आएंगे, जिस जिससे मुझे याद रहा, तो मैं ब्लॉग बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी, तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा। और मैंने पहनी है ये लाइट कलर की ड्रेस, इसको क्या बोलेंगे, पिस्ता कलर बोलेंगे, कौन सा कलर बोलेंगे, बहुत ही लाइट कलर है। और बस ये गले में सेट पहन लिया, रखड़ी पहनने की इच्छा नहीं है, और ये चूड़ा पहन लिया। रखड़ी शाम को पहनेंगे, तो मैंने कहा अभी तो क्या है, खाना खा के आना है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं रखड़ी वखड़ी पहनना। और ये है पूरी ड्रेस, प्योर का ओढ़ना है और इस कपड़े को शायद चिनॉन कुछ बोलते हैं, तारी और थ्रेड का वर्क है। और अब बस चलेंगे और पहुँच कर दिखाएंगे लंच में क्या है, दिखाएंगे या चुपचाप खा के आ जाएंगे पता नहीं। और हाँ, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको शादी के ब्लॉग कैसे लगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं हमारे राजस्थान की, जोधपुर की जो जो रस्में हैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ, लेकिन आपको मालूम है राजस्थान की शादी में, जोधपुर की खास करके शादी में बहुत सारी रस्में होती है छोटी छोटी, तो कुछ कवर कर पाई कुछ नहीं कर पाई, लेकिन कोशिश मेरी पूरी रही थी। तो बस मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको शादी के ब्लॉग कैसे लगे। और सुनीता और आ चुके हैं, गाड़ी नज़र आ रही है आपको। याना, यानू बेबी, चलो। और ये हो रही है शाम के लिए डेकोरेशन। और ये है दिन का लुक, डेकोरेशन का काम चल रहा है। तो अभी मैं हो गई हूँ तैयार और कैमरा पकड़ा है पीछे मीना और सुनीता ने। हाँ, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे, बिना मेकअप भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। पर मेकअप किया है थोड़ा थोड़ा किया है, थोड़ा टचअप भी है बस। और एक्चुअली मैं पहले बनाना भूल गई और मेरे को बड़ी भाग दौड़ थी, इसलिए तो अभी याद आया मुझे ब्लॉग भी बनाना है। और मैंने पहनी मेरी नई वाली ड्रेस, पूरा लुक दिखाऊंगी, अभी इतना दिखा दूं। और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नेल पॉलिश नहीं लगाई, भूल गई फटाफट में। और मीना सही बोले थे, अड़े हैं। और ये है मेरा पूरा लुक। और आज पति कुछ ज्यादा तैयार हुए हैं तो वो बोल रहे हैं मैं भी आ जाऊंगा। आज सबके लिए सरप्राइज है जियो सवाल। और फिर आप जरूर बताना कि मेरी ड्रेस कैसी लग रही है, मैं कैसी लग रही हूँ। आपसे अच्छे जियो सा लग रहे हैं, A1। तो अभी हम लोग निकल गए हैं और आज घर पे ब्लॉग बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। मीना सुनीता आई तो भी मुझे याद भी नहीं रहा कि मुझे ब्लॉग बनाना है, तो बस अभी याद आया तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ। बाकी वहाँ का तो मैं शेयर करूंगी। और ये लोग यहाँ है 2-4 दिन, तब भी ब्लॉग बनाते रहेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ घर का काम है, ज्यादा कुछ होगा नहीं तो याद रहेगा। तो चलिए बाकी पहुँच के दिखाते हैं आपको आज का फंक्शन। तो हम लोग पहुंच गए हैं शादी वाले गार्डन में और ये जो गैलरी तैयार की गई है, और मुझे समझ में नहीं आता ये पिंकी क्यों कर दी, पूरी गैलरी को एकदम पिंक गुलाबी नगरी बना दी है। और अभी मुझे यहाँ गैलरी में एक बंदा भी नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब लोग अभी तक आए नहीं हैं। और ये देखिए ऐसी कुछ है स्टेज की डेकोरेशन, आगे चेयर लग गई है। और गार्डन को खाली देख कर आप समझ गए हो सबसे पहले जो आने वाले हैं वो हम दोनों ही हैं। मैं घर पे थी तो पतिदेव ने एक सांस शुरू कर दिया
कि चलो लेट हो जाएगा, चलो लेट हो जाएगा। मैं तैयार हुई थी तो मेरा मन था कि मैं एक दो अच्छी अच्छी रील बना लूँ, लेकिन पतिदेव तो भाई साहब हमें जल्दी जाना चाहिए, हम घर वाले हैं, हमें जल्दी पहुंचना चाहिए, ऐसा करके मुझे सबसे पहले यहाँ लेकर के आ गए। अच्छी लग रही है, सुंदर को लग रही है। देख इधर, देख इधर, देख इधर, देख। अरे वाह, वीडियो बन रहा है, अच्छा बन रहा है, अच्छा लग रहा है रे, अच्छा लग रहा है। ये अंगूठा जूस रही है दादी की जैसे। तो अभी हम लोग बाहर आ गए हैं और आए हैं हमारे सोसाइटी वाले, तो उनको ढूंढ लेते हैं कहाँ पर है, पहले उनसे मिलेंगे उसके बाद। खम्मा गणी और ये है हमारे कंवर साहब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये फोटो वोटो कुछ नहीं है हमारे पास, वीडियो ही है। हाँ हम सिर्फ अपने मतलब का काम करते हैं, जहाँ हमारा मतलब होता है। अच्छे लग रहे हो दोनों, क्यों क्या फिर ठीक है यार, महंगी नहीं है फिर तो फोटो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं परिवार की सभी लेडीज़ एक एक करके अपने अपने रूम से बाहर आ चुकी हैं, रेडी हो चुकी हैं, और जैसे जैसे मुझे मौका मिल रहा है, जो जो मुझे मिल रहा है उनके साथ मैं ब्लॉग बना रही हूँ। उसी के साथ आप देख सकते हैं दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो चुकी है, दूल्हा दुल्हन आगे बढ़ रहे हैं स्टेज की तरफ जाने के लिए। और हमारे दूल्हे राजा ने पहना है एकदम वाइट कलर का जोधपुरी कोट पैंट, और दुल्हन ने पहना है डार्क कलर का ग्रीन कलर का पोशाक, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं दूल्हा दुल्हन बढ़ रहे हैं स्टेज की तरफ, और होने वाली है उनकी बहुत ही अच्छी सी एंट्री। इस एंट्री को देखकर मेरा भी बड़ा मन हुआ, काश हमारे टाइम में भी ऐसा कुछ होता और इस तरह की हमारी भी एंट्री होती। हमारी तो सिंपल सी एंट्री थी जिसमें ढोल बजा रहे थे और हम दूल्हे वो स्टेज की तरफ चढ़ रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान ने चाहा तो हम हमारी 25th एनिवर्सरी ज़रूर सेलिब्रेट करेंगे, अगर भगवान का आशीर्वाद रहा तो, और शायद ऐसी एंट्री हमारी भी हो। और यहाँ पर ये जो अनार वनार जो लाइटिंग सब हो रही है, और इसी के साथ धीरे धीरे दूल्हा दुल्हन आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और मैं वॉइस ओवर यहाँ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर म्यूज़िक चल रहा था जिससे आ जाएगा कॉपीराइट। तो मैंने सोचा चलो मैं मेरी प्यारी प्यारी आवाज़ ही आपको सुना देती हूँ, और आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आज मैंने जो ड्रेस पहनी है वो आपको कैसी लगी। और आप कुछ भी बताएं उससे पहले मैं बता दूं कि मुझे मेरी आज की ड्रेस बहुत ही प्यारी लग रही है, मैंने बार बार अपने आप को देखा और कलर इतना प्यारा लग रहा था जितना मैंने सोचा नहीं। और यहाँ पर मीना के पतिदेव, सुनीता के पतिदेव, सुनीता मीना सब लोग आ चुके हैं रेडी होकर के, तो अभी आपको उन लोगों से भी मिलवाती हूँ। और रेखा का परिवार अभी आना बाकी है, ये लो रेखा का परिवार भी आ चुका है, रेखा आ चुकी है, और हमारे नांदी वाइसा सीमा जी नज़र आ रहे हैं, पीछे सुषमा बाबिसा भानु सब सुनीता रेखा मीना से मिल रहे हैं, क्योंकि ये शादी ब्याह होते हैं जब हम सब एक दूसरे से मिल पाते हैं। और लीजिए मिलिए आप हम चारों बहनों से, पहले नंबर पे खड़ी हूँ मैं, सेकंड नंबर सुनीता, थर्ड नंबर रेखा और फोर्थ नंबर मीना, सब चारों लाइन से खड़े हैं। फिफ्थ नंबर पे है मेरा भाई अज्जू, जो कि मम्मी की तबीयत ख़राब होने की वजह से नहीं आ पाया, लेकिन कोई बात नहीं, और कभी मिलवाऊंगी ज़रूर आपको। और यहाँ पर दूल्हा दुल्हन स्टेज पे बैठ गए हैं और अब होगी वरमाला। वरमाला की तैयारी करने के लिए आपको पीछे ब्लैक शर्ट में भैया नज़र आ रहे हैं, वो जो साइडों के जो अनार वनार ऐसे लाइटिंग कुछ करेंगे, वो इतना फास्ट फास्ट तैयारी कर रहे थे कि आप देखोगे पीछे के साइड वो एकदम से वो जो कारपेट बिछा हुआ था उसमें उलझ के गिर भी जाएंगे।
और क्या हुआ, एक अनार गोलाई में चला और एक नहीं चला, इस वो जल्दबाजी के कारण वो नीचे गिर गए, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया, सब दूल्हा दुल्हन की वरमाला में ही ध्यान दे रहे हैं। मैं तो खुद अभी वीडियो को एडिट किया है तभी पता चला, और यहाँ आप देख सकते हैं वरमाला हो गई है। और ये है हमारे घर की बहुत ही प्यारी और सबसे छोटी सदस्य गोरा रानी, और ये है सुसला जी की दोनों नांदियाँ जो साइड में खड़े हैं, बीच में साड़ी में हैं सुसला जी के ननंद, और राजपूती पोशाक में हैं सुसला जी के देवर जी की बेटे की बहू। और इन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की थी शादी के वीडियोस बनाने में, मैंने सोचा आज लास्ट दिन है, फिर पता नहीं हम लोग कब मिलेंगे, कोई शादी ब्याह में ही मिलते हैं, तो मैंने बोला चलो आ जाओ ब्लॉग में, फिर पता नहीं कब मिलना होगा, कब ब्लॉग में आप लोग आओगे। तो आज फिर एक बार फिर से मैं आपको बोलूँगी थैंक यू सो मच, और बस एक एक करके जो भी आ रहे हैं, मेरी कोशिश है कि मैं आपके साथ ब्लॉग बनाऊं। और इस बीच में मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि हम आपके ब्लॉग देखते हैं, हम आपके ब्लॉग का वेट करते हैं, और शादी के ब्लॉग का भी वेट है क्योंकि कुछ ब्लॉग में वो लोग आए हैं। तो लीजिए अब मैंने शादी के लगभग सारे ब्लॉग अपलोड कर दिए हैं, और यहाँ तीन लेडीज़ आपको नज़र आ रही है जिसमें मैं हूँ, रीमा जी है और उनकी देरानी, हम तीनों ने ब्लू ब्लू पहना था तो सोचा चलो ब्लॉग बना लेते हैं। और यहाँ हम चारों सिस्टर्स पहुँच गए हैं स्टेज पे, और हस्बैंड लोग पता नहीं कहाँ खाना खा रहे होंगे, इसलिए हमने सोचा चलो हम चारों ही फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, और साथ में ही मैंने किसी को मोबाइल दे करके ब्लॉग भी बना लिया है। और आज के दिन में मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं किया, बस जो फ़ोटो खिंचवा रहे थे उन्हीं को मैंने ब्लॉग में भी ले लिया है। और यहाँ पर है भानु, मैं, बाबी साहब, मेरे दोनों नांदी और नेहा जी, हम सब लोग खड़े थे, फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे, सोचा चलो ब्लॉग भी बना लेते हैं। 2 मेरी बहनें और 1 मेरी बाबी साहब। और एक मैं पर सुंदर तो लगो, हम सुंदर हैं, फोन सुंदर है, तुम सुंदर नहीं हो, और फोन आंखों का इलाज करा लिया मैंने, वो देख वो भी हंस रहे पीछे, उनको बता तुम सुंदर नहीं हो। और ये है मेरी ससुराल की फैमिली जिसमें माँ जी है, भाई साहब, बाबी साहब, सनी जी, भानु, नए दूल्हा दुल्हन, सुसला जी, जियोसा, और भी मेंबर कम हैं, सानू तो चलो शादी में आ ही नहीं पाई थी, उसके एग्जाम थे, और बाकी कुछ यहाँ थे तो लेकिन यहाँ स्टेज तक आ नहीं पाए या ध्यान नहीं गया, तो मिलिए मेरी ससुराल की फैमिली से। और मैं आपको कहना ही भूल गई, आज की शादी में बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने बोला हम आपके ब्लॉग देखते हैं और आपके ब्लॉग का इंतज़ार करते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि मुझे आपको भी ब्लॉग में लेना चाहिए। और कुछ ये भी होता है ना, कुछ लोगों को ब्लॉग में आना पसंद होता है, कुछ लोगों का नहीं, और मेरा ध्यान भी नहीं गया, सही बात तो यह है, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे मैं भूल जाऊँ तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी मेरे ब्लॉग में आना चाहते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, दिल से खुशी होगी जब आप चला करके मुझे ऐसा बोलोगे कि हमें भी आपके ब्लॉग में लो। और नेक्स्ट टाइम मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मैं सीख गई, धीरे धीरे ब्लॉग बनाना सीख रही हूँ, और कोशिश करूँगी कि जब भी आप लोग मुझे मिलो मैं ब्लॉग ज़रूर बनाऊँ। आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं, जितना पॉसिबल हुआ मैंने ब्लॉग बनाया, घर की शादी थी तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिला, लेकिन उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरा ब्लॉग शेयर जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में।